हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ छुहारे की हलवे की एक बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और इसे आज बिना खोआ बिना घी के बना के तैयार करेंगे। तो एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देर न करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा सा बॉल लेंगे। यहाँ पर मैंने छुहारे का पैकेट लिया है, इसे कट करके इस बॉल में सारे को डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1 kg छुहारा ले लिया दोस्तों, तो पैकेट काट के सारे को इस बॉल में डाल देंगे। तो देखिए, सारे छुहारे को मैंने बॉल में डाल लिया। यहाँ पे मैंने छोटे साइज का लिया है छुहारा, आपके पास जो रहे उससे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जाके अच्छे से धो लेंगे 4-5 पानी से। तो देखिए इसको अच्छे से मैंने धो लिया, इसको साफ कर लिया है। इसे क्या करना है, अगर आपके पास टाइम है तो इसे रात भर पानी में डाल के फूलने के लिए रख दीजिए, तो फूल जाएगा तो ये अच्छे से बन के तैयार होता है। अगर आपको जल्दी रहे तो इसको क्या कीजिएगा, गुनगुना पानी में आधा घंटा के लिए फूलने छोड़ दिएगा। तो देखिए इस तरह फूल गया, मैंने रात भर छोड़ दिया था। बस हल्का सा हाथ से दाबिएगा, इस तरह सीड निकल जाएगा और आसानी से ये हो जाता है। अगर कड़ा रहता तो काटने में बहुत दिक्कत होता है। तो देखिए यह नाइफ से लेके साइड का नीचे का इस तरह काट के बीच से कट करके इस तरह भी आप इसका सीड निकाल सकते हैं। तो देखिए इसी तरह सारे छुहारे से मैंने सीड निकाल लिया, इस तरह का रहना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मिक्सी जार लेंगे और सारे छुहारे को इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहे तो इसे बॉयल करके भी बना सकते हैं, दूध में डाल के बॉयल कर लीजिएगा, लेकिन आज मैं बिल्कुल कम टाइम में और फटाफट बनाना बता रही हूँ। तो सबसे पहले छुहारे को मिक्सी जार में डाल लिया। यहाँ पर मैंने दूध का पैकेट ले लिया, 1/2 kg मैंने ले लिया है और थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे। इसको कवर लगे ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह इसको ग्राइंड कर लिया। इसका स्मूथ सा पेस्ट रहना चाहिए, इस तरह का ज़्यादा मोटा नहीं पीसिएगा, स्मूथ सा पीसिएगा ना तो हमारा हलवा बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बन के तैयार होगा। सारे को पीस के इस बॉल में मैंने रख लिया है और इसी तरह का पेस्ट रहना चाहिए। और अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें ऑयल 1 चम्मच डाल देंगे क्योंकि आज घी यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप घी में बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप घी डाल दीजिएगा। और 1 चम्मच यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाला, इसमें जो मैंने पीस के रखा ना सारे छुहारे के पेस्ट को इसके अंदर डाल देना है। और यहाँ पे मीडियम आंच कर लीजिएगा, मीडियम आंच पे इसको भून लेना है। यहाँ पे पहले 1 मिनट खूब इसकी भुनाई कर लेना है, हल्का सा इसमें सोनेपनी आ जाए। आज मैं कच्चे छुहारे को फुला के और पीस के बना रही हूँ दोस्तों, तो ये हलवा थोड़ा डिफरेंट रहेगा और एक उबाल के भी बनता है। तो आपके पास अगर टाइम कम है तो इस तरह से बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो देखिए इसकी भुनाई हो गई है, इसमें सोंधेपनी थोड़ा सा आ गया, तो यहाँ पे चीनी डाल देंगे। यहाँ पे 1 छोटे कप चीनी डाल रही हूँ, वजन में देखिए ये 100 ग्राम होगा। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इतना मीठा में एकदम परफेक्ट मीठा हुआ था दोस्तों। अब चीनी डाल के मीडियम आंच पे इसकी भुनाई कर लेना है। ये हलवा तुरंत बन जाता है दोस्तों, ना आपको बॉयल करने का झमेला और ना घंटों वेट करने का कि ठंडा होगा तो उसको पीसेंगे फिर बनाएंगे। बस छुहारे को निकालो, फुलाओ और पीसो और बना लो, और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत ही अच्छा दानेदार हलवा बन के तैयार होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और ऑयल डाल देंगे, अगर घी डालना चाहते हैं तो घी भी डाल सकते हैं यहाँ पर। और डाल के इसकी और भुनाई कर लेंगे, यहाँ पर 4 से 5 मिनट और इसकी भुनाई कर लेना है। और इसमें सोंधेपनी आने लगा है। और ये हलवा जब भी आपको कमज़ोरी लगे, थकान लगे, या बच्चे जो लोग थक जाते हैं, स्कूल जाते हैं ना थक जाते हैं, तो आप ये बना के रखें, जब भी स्कूल जाएं तो आप 2 चम्मच खिला के भेजें या आएँ तब दें। और ऊपर से यहाँ पे किशमिश डाल देंगे। यहाँ पे मैं ज़्यादा सामान दे के नहीं बना रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट बच्चे को पसंद है डाल के बना सकते हैं। वैसे मैं कम सामान वाला ये हलवा बना रही हूँ, जो कि कम सामान में फटाफट बन जाए बिना झंझट के झटपट। तो देखिए इसकी भुनाई हो गई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 छोटी चम्मच छोटी इलायची का पाउडर इसमें डाल देंगे, डस्ट तैयार करके फ्रेश डालिएगा, उससे एक अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। 1/2 चम्मच और यहाँ पर ऑयल डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसमें बहुत अच्छी सी सोंधेपनी आने लगी, यानी कि हमारा हलवा तैयार हो गया है। अब करेंगे गैस बंद और इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। तो यह लीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी छुहारे का हलवा बनके तैयार हो गया है। खाने में जितना टेस्टी है, बनाना बेहद आसान है। जब भी आपको मीठा खाने का मन करे या आपको थकान लगे या बस बच्चों को कमज़ोरी लगे, तो ये बना के अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो एक दफ़ा आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और वीडियो में ज़रा सा भी कुछ अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ओके, बाय, टेक केयर। मैं फिर मिलूंगी इसी तरह की डिफरेंट रेसिपी के साथ। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।